आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजयलक्ष्मी। पत्रकारों ने सौंपा ज्ञापन। जनपद हापुड़ में आज प्रेस क्लब के माध्यम से पत्रकारों पर आए दिन हो रहे हमले व पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग को लेकर के महामहिम राज्यपाल के नाम उप जिलाधिकारी सत्य प्रकाश को एक ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि इस दौरान पत्रकारों पर हो रहे हमले को लेकर पत्रकारों में रोष भी दिखाई दे रहा है। वहीं पत्रकार की सुरक्षा हेतु कानून बनाए जाने की मांग को लेकर पत्रकारों ने जमकर नारेबाजी भी की। पत्रकारों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार कड़ी से कड़ी कानून बनाए ताकि पत्रकारों पर हो रहे हमलों पर अंकुश लगा सके। इसके अलावा पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर उनको पेंशन और बीमा आदि की योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। पत्रकारों पर हो रहे फर्जी मुकदमों को समाप्त किया जाए ताकि पत्रकार अपने काम को स्वतंत्रता और निर्भीकता के साथ कर सके। आलम टाइगर के साथ हासिम अलवी की खास रिपोर्ट। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकारों को रक्षा दो, पत्रकारों को। क्या नाम? मेरा नाम सुनील गिरी है। आज ज्ञापन दिया गया है, क्या नाम है? पिछले काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है, पहले भी हम ज्ञापन दे चुके हैं और अभी भी देखा गया है। पिछले 8-10 दिनों में ही देखा गया है, ये पंचायत चुनाव जो हुए हैं इसमें पत्रकारों के साथ में अभद्रता की गई है, चाहे वो नेता हो चाहे वो अधिकारी हो, इनके द्वारा पत्रकारों के साथ में अभद्रता की है। हमने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग की है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रदेश में कानून बनाया जाए जिससे पत्रकार निर्भीक होकर अपनी पत्रकारिता कर पाए, क्योंकि आज के दौर में देखा जा रहा है एक पत्रकार, एक चाहे वो शासन में बैठे अधिकारी हो या फिर वो कोई नेता हो या कोई माफिया हो, इनके खिलाफ अगर कोई खबर चलाता है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। ये एक बड़ी समस्या है, इसी को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन SDM महोदय को दिया है। क्या नाम? मोहर ताहिर। आज ज्ञापन दिया गया, किसको ज्ञापन दिया गया? आज है ज्ञापन दिया गया है SDM महोदय को, राज्यपाल महामहिम के लिए दिया गया है और पत्रकारों के हो रहे शोषण, पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार को लेकर ज्ञापन दिया गया। आए दिन जो है पत्रकारों की हत्याएं, पत्रकारों पर झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं जिसके लिए पत्रकारों में जो है सुरक्षा की जो भावना है वो नहीं है, और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून की मांग भी जो है की गई है जिसमें अगर कोई पत्रकार के खिलाफ पुलिस भी जो है वो मामला दर्ज कर लेती है, जो माफिया हैं गुंडे हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता है। जहां पत्रकार का कहीं नाम आ जाता है तो उसके खिलाफ मामला तुरंत पुलिस दर्ज कर लेती है, तो इसके लिए जो है पत्रकार की सुरक्षा के लिए यहां ज्ञापन दिया गया है। सभी पत्रकार बंधु इकट्ठे हुए हैं और उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया।